यह खबर भिवानी से। स्वतंत्रता सेनानी एवं पूर्व मुख्यमंत्री बनारसी दास गुप्ता की जयंती पर भिवानी के हांसी रोड स्थित बीडी गुप्ता स्मृति पार्क में हवन का आयोजन किया गया। साथ ही विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस मौके पर स्वर्गीय बीडी गुप्ता की प्रतिमा पर व समाधि पर पुष्प अर्पित कर उन्हें याद किया गया। इस मौके पर बनारसी दास गुप्ता फाउंडेशन के अध्यक्ष एवं उनके पुत्र अजय गुप्ता ने कहा कि उनके पिता स्वर्गीय बनारसी दास गुप्ता समाज सेवा व क्षेत्र का विकास करने के लिए ही राजनीति में आए थे। वह स्त्री शिक्षा के भी प्रबल समर्थक थे। जयंती पे हम एक हवन का आयोजन करते हैं। उसका उद्देश्य यही है कि बाबूजी के जो विचार हैं लोगों को जुड़ाव हो, बाबूजी लोगों को पता लगे, जो नई अपनी पीढ़ी है उसको विशेषकर इसका ज्ञान हो। और शिक्षण संस्थाओं में भी हम माल्यार्पण का प्रोग्राम करते हैं ताकि जो नई पीढ़ी है, नए युवा हैं, उनको बाबूजी के विचार आचार, जो बाबूजी के जिन सिद्धांतों पर चले उनके बारे में जानकारी हो, ताकि लोगों को हम प्रेरणा दे सके कि वो लोग भी इसको अपनाएं। उन्होंने हमेशा ही विकास, एक तो वो निस्वार्थ भाव से सेवा का कार्य करते थे। उन्होंने कभी भी किसी में कोई ना ही पद की लालसा और ना कोई, इसी कारण वो जिस भी कार्य में लगते थे उसको जी जान से करते। जैसे आदर्श महिला महाविद्यालय की स्थापना से लें आप, तो इसका उद्देश्य एक ही था कि जो महिलाएं अकेले सुरक्षा के कारण। आज परम श्रद्धेय श्री बनारसी दास गुप्ता जी की 107वीं जयंती मनाई जा रही है, केवल भिवानी में नहीं अपितु सारे हरियाणा।